सीआईडी के सीजन टू में वहां पर जो अयोध्या में एक मंदिर होता है राम भगवान का मंदिर, जिसका अभी अभी उद्घाटन होता है, जिसके कारण वो सीआईडी के टीम को सूचना मिलती है कि वहां पर बहुत सारे हमले होने वाले हैं। वहां पर पहले से ही पहुंचकर उस हमले को रोकना होगा, जिसके कारण कई सारे मासूमों की जान चली जाएगी। सीआईडी के सारे टीम वहां पर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे कि उन लोगों को सूचना मिलती रहती है कि कब और कहाँ पर हमला होने वाला है। पर सीआईडी की टीम के रहने के बावजूद भी एक गाड़ी में बम रखकर वहां पर हमला कर दिया जाता है, जिससे कि करीबन 13 से 14 लोगों की मौत हो जाती है। सीआईडी के सारी टीम वहां पर जाने लगते हैं। वहां पर जाने के बाद सीआईडी ऑफिसर अफजीत सर के पीछे एक धमाका हो जाता है। सीआईडी के सारे टीम को अल्जाम लगने लगता है कि तुम लोग के रहने के बावजूद यह सब धमाका होने लगा। सीआईडी के सारे टीम वहां धमाका को रोकने के लिए अगला जो धमाका रहता है वो पूर्वी मैम के पास होने वाला रहता है, जिसे कि सीआईडी के सारे टीम रोक देते हैं। वहां पर जितने भी धमाका होने वाले थे सारे को रोक देते हैं, पर दो धमाका हो जाता है, जिसके कारण वहां के जो मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य थे वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं सीआईडी के टीम पे। सीआईडी टीम बहुत ही सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रहने के बावजूद वो कब बम लगाकर चला गया। सीआईडी के सारे टीम उस आदमी को पकड़ने की बहुत ही प्रयास करते हैं, पर वो आदमी नहीं पकड़ा पाता है। वो आदमी रहता है जो फिर से झगड़ा का कारण बन जाता है, कई सारे दंगे करवाने लगता है। दंगे में कई सारे मासूमों की जान चलने लगती है। वहां पर सीआईडी ऑफिसर अफजी सर को मजबूरन फायरिंग करना पड़ता है। फायरिंग के दौरान जितने भी लोग रहते हैं सारे लोग डर कर भागने लगते हैं। वहां पर सीआईडी के सारे टीम उस आदमी को देख लेते हैं जो कि ये सारे दंगे करवा रहा था। वह सीआईडी के टीम को देखकर भागने लगता है, पर अफजी सर को लगता था कि वह आदमी भी एक सामान्य आदमी है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। सीआईडी के सारे टीम पे उस पे शक नहीं जाता। सीआईडी के सारे टीम सोचने लगते हैं कि दंगा हुआ तो हुआ कैसे। वहां पर एक आदमी को रुकवा कर पूछते हैं कि लड़ाई कैसे हुआ। वो आदमी कुछ भी गचने के लिए तैयार नहीं होता, वो डर से कांप रहा होता। सीआईडी के सारे टीम उस दंगे को तो खत्म कर देती है, पर वहां पर शाहरुख खान आए हुए रहते हैं, जिसे कि बचाने के लिए वह सीआईडी के सारे टीम अपना जान भी जोखिम में डाल देते हैं, क्योंकि वह बहुत ही बड़े स्टार थे। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सी सारे सीआईडी टीम के अलावा पुलिस फोर्स भी थी। सीआईडी के टीम से वह नहीं हो पा रहा था कि शाहरुख खान की जान वह बचा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वहां पर गुंडे थे जो कि शाहरुख खान को मारने के लिए ही अयोध्या में धमाका करना चाहते थे। शाहरुख खान थे, उनका प्रोटेक्शन के कारण उनके चारों तरफ थे। सीआईडी के सारे टीम को कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी गई थी, बल्कि वह शाहरुख खान के प्रोटेक्शन में थे। सीआईडी टीम के रहने के बावजूद भी शाहरुख खान को मारने के लिए एक बंदा आता जो साइलेंसर लगाकर उन पर हमला करता है, पर वहां पर जो अफजीत सर रहता है उन्हें कंधे पर लग जाने के कारण शाहरुख खान की जान तो बच जाती है, पर अफजीत सर को जान को खतरा हो जाता है। अफजीत सर को तुरंत ही एम्बुलेंस में बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सीआईडी के सारे टीम जो शूटर रहता है उसे पकड़ लेते हैं। शूटर को पकड़ने के बाद वहां पर सारी बात पूछते हैं कि तुमने शाहरुख खान को मारने के लिए कौन भेजा था। वो आदमी कुछ नहीं घसता है, बल्कि वो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण इंस्पी प्रदुमन सर बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई आदमी होगा जो कि ये सब काम करवा रहा है, बल्कि खुद आदमी नहीं ऐसा कर सकता है, उसे जिगरे में पावर होनी चाहिए। सीआईडी के सारे टीम आदमी को पकड़ना चाहते हैं, पर वो आदमी नहीं पकड़ पाता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।